Assalamu alaikum, my name is Mohammed Vakar and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. This is a video जो कि मेरी ख्वाहिश थी मुझे कभी ना बनानी पड़े, but recently unfortunately कुछ ऐसे incidents हुए हैं जिनकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये video मुझे बनानी चाहिए और आप लोगों तक ये information deliver करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा स्टूडेंट या किसी भी लिहाज से अगर नॉर्वे आ रहे हैं तो आई बिलीव कि आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे स्कैम्स इन नॉर्वे। यस दैट्स ट्रू, क्योंकि नॉर्वे वैसे तो ज़्यादातर अपनी ऑनेस्ट पीपल की वजह से और अच्छी चीज़ों की वजह से जाना जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर थोड़े बहुत स्कैम्स भी पाए जाते हैं जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं, मैं सबको कवर नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं उन स्कैम्स के ऊपर बात करूंगा जो कि मोस्ट लाइकली आपको एज अ स्टूडेंट फेस करने पड़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बिकॉज इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज फॉर यू गाइज। लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, सो आई हैव लिस्टेड 3 स्कैम्स जो कि अगर आप नॉर्वे में एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली इनमें से कोई ना कोई एक स्कैम आपके साथ हो सकता है। सो द फर्स्ट स्कैम दैट आई हैव लिस्टेड इज स्कैम रिलेटेड टू जॉब्स। दैट्स ट्रू, जब आप नॉर्वे में एज अ स्टूडेंट आते हैं तो आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें जल्द अज जल्द पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, और इसके लिए स्टूडेंट्स मोस्ट कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जॉब्स ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। तो इसलिए हम भी हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से जॉब सर्च करें। तो ऑनलाइन जॉब्स में स्कैम के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से एलेबोरेट करता हूँ। इस साल जब मेरा एक दोस्त आया था नॉर्वे में तो ही वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब ऑन फेसबुक, और फेसबुक पर जो जॉब मार्केट प्लेस का एक पोर्टल होता है वहाँ पर उन्होंने एक जॉब पोस्ट की हुई थी कि हमें ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए कोई बंदा चाहिए, उसके लिए कोई स्किल नहीं रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड। एंड व्हेन माय फ्रेंड अप्लाइड फॉर इट एंड दे सेड दैट यू आर सिलेक्टेड, उन्होंने कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा, उन्होंने बस इतना कहा कि आप हमारे बिहाफ पे, हमारी कंपनी के बिहाफ पे 2 हफ्ते के लिए फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक मार्केट प्लेस पे एड्स पोस्ट करेंगे और जो भी कस्टमर आएंगे आप उनको हमें रेफर कर देंगे ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली भेज दें। तो और वो प्रोडक्ट मोस्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स इन सम केसेस। तो मेरे दोस्त ने उनके साथ ओके कर लिया सीन जब उन्होंने जॉब पोस्ट कर दी 2 हफ्ते के लिए, और जब उसने अपनी पेमेंट मांगी तो उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। सो दिस कैन हैपन वेरी ऑफनली जब आप नॉर्वे में आ रहे हैं। आई नो कि बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब्स की जरूरत होती हैं, लेकिन मेक श्योर कि जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बगैर कॉन्ट्रैक्ट के जॉब स्टार्ट ना करें। इवन अगर आप ट्रायल के लिए जा रहे हैं, क्योंकि होता है कुछ जॉब्स में वो आपको डायरेक्टली हायर नहीं कर लेते, कुछ 2-4 दिनों के लिए ट्रायल पे बुलाते हैं। तो अगर आप ट्रायल्स पे भी जा रहे हैं तो नॉर्वे का लॉ ये कहता है कि यू विल बी पेड फॉर इवन द ट्रायल पीरियड। सो कभी भी ऐसी कंपनी के लिए काम ना करें जो कि आपको कहते हैं कि आपसे हम पहले काम लेंगे और बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे या आपको ट्रायल के पैसे नहीं देंगे। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्कैम जो कि आजकल थोड़ा सा ज़्यादा देखने में आ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्कैम जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है इन अ वे कि इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा पैसों का लॉस हो सकता है। सेकेंड स्कैम इज रिलेटेड टू बैंक अकाउंट। अब पिछले दिनों नॉर्वे में ये देखने में आई थी कि हर किसी को उनके बैंक की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कोई मसला है, और साथ एक लिंक आता है कि अगर आपने उसको रिजॉल्व करना है तो आप अपने पासवर्ड को रीसेट करें। एंड एज सून एज यू ओपन द लिंक आपको वो एक वेबसाइट पर ले जाता है और वहाँ पर आपसे वो आपके अकाउंट का पासवर्ड मांगता है, और ऐसा ही लगता है कि वो वेबसाइट बैंक की तरफ से है। तो जब आप उसमें अपना पासवर्ड और कार्ड की डिटेल्स एंटर करते हो तो जो हैकर होते हैं वो इजीली आपके सारे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब ज़्यादातर लोगों को तो इसका आइडिया होता है तो इसलिए वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये स्कैम इन दिनों बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है स्पेशली कोरोना के बाद। अब यहाँ पर मैं आपको पर्सनल एग्जाम्पल देता चलूँ, क्योंकि रिसेंटली एक जो नया स्टूडेंट आया था पिछले साल उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि उसको बैंक की तरफ से मैसेज आया था कि आपके अकाउंट में कोई मसला है, साथ एक लिंक आया था कि आप इस लिंक को खोल के अपने अकाउंट को जो भी है वेरीफाई वगैरह कर सकते हैं। तो उसने लिंक खोला, अकाउंट में अपनी इन्फॉर्मेशन एंट्री की, उसको लगा कि मेरा अकाउंट सिक्योर हो गया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके अकाउंट से उसके ट्रांजेक्शन होना शुरू हो गई एंड विद इन जस्ट अ फ्यू डेज ऑलमोस्ट उसका 100,000 नॉर्वेजियन क्रोनर किसी ने विड्रॉ कर लिया था। फिर यूजिंग बैंक उसने अपना 30-40,000 तो रिकवर कर लिया था, लेकिन बाकी रिकवर नहीं कर सका क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी थी ट्रांजेक्शन। तो इसलिए ये स्कैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना और इसको अवॉइड करना। तो इसलिए जब भी आप नॉर्वे में हो और आपको किसी भी अननोन जगह से कोई लिंक वगैरह आता है तो काइंडली उसको ओपन करने से अवॉइड करें, और स्पेशली अगर वो लिंक बैंक से रिलेटेड है, अगर कोई इशू बैंक से रिलेटेड है तो आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में जाके वो बात करें एंड डोंट ओपन एनी काइंड ऑफ लिंक। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्कैम जो कि मेरे साथ भी पर्सनली 2 दफ़ा हो चुका है। सो इसलिए मैं आप लोगों तक ये पर्सनली अपने एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम नॉर्वे में आते हैं हमारी हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ पर आते हैं कोई नया फ़ोन ले लें, कोई नया लैपटॉप ले लें, या किसी को ज़रूरत होती है या कोई भी चीज़ खरीदनी होती है।
तो दिस स्कैम इज रिलेटेड टू ऑनलाइन परचेज. अब नई चीज लेने में फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं नई चीज नहीं था ले सकता, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं एक सेकेंड हैंड फोन परचेज करता हूँ. मैं इनकी जो सेकेंड हैंड आइटम्स का पोर्टल है fin.no, वहाँ पर गया. मैंने एक अच्छा फ़ोन पसंद किया, और क्योंकि जब मैं यहाँ पर था मैंने वहाँ उससे पहले उस पोर्टल को एक दो दफ़ा यूज़ कर लिया था और मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था. तो जब मैंने अपने सेलर से बात की, फ़ोन के सेलर से, कि मुझे ये फ़ोन चाहिए, उन्होंने मुझसे एडवांस पेमेंट की बात की. मैंने उनके एडवांस पेमेंट कर दी कंसीडरिंग कि वो मुझे फ़ोन भेज देंगे. और अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ये था नॉर्वे में कि यहाँ पर ज़्यादा मतलब कभी भी स्कैम नहीं हो सकता, ट्रस्ट बेस्ड कंट्री है, और यहाँ पर ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि आपके पास स्कैम नहीं हो सकता. तो मैंने खैर उनको अपने पैसे भेज दिए, मेरे पास सारे ट्रांजैक्शन के प्रूफ भी थे. लेकिन जैसे ही मैंने पैसे भेजे, जो सेलर था वो दो चार दिन के बाद उसने एक्सक्यूज़ करना शुरू कर दिया कि आज वो किसी मीटिंग में बिजी है, आज वो कहीं ऑफशोर जा रहा है, आज वो कहीं आउट ऑफ कंट्री है. तो मुझे थोड़ा बहुत हिंट मिलना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा मुतमिन था कि चलो एटलीस्ट रिप्लाई कर रहे हैं तो फ़ोन भेज देगा. लेकिन दो हफ्तों के बाद उसने मुझे टोटली ब्लॉक कर दिया. अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं था. अब एट दिस पॉइंट मेरे पास एक हेल्प थी कि मैं पुलिस के पास जाता, तो वही मैंने किया. मैं पुलिस के पास गया विद ऑल द डॉक्यूमेंटेशन जो मेरी उसके साथ बात हुई थी, जो मैंने ट्रांजैक्शन की थी उसके प्रूफ के साथ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने भी मुझे हेल्प करने से रिफ्यूज़ कर दिया, सेइंग कि उनके पास और बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग है एंड दे कांट प्रायोरिटाइज माई केस. एंड दैट्स हाउ आई गॉट स्कैम फॉर द फर्स्ट टाइम. और इसी तरह दूसरी बार भी मेरे साथ एक स्कैम हुआ था, बट दैट वॉज नॉट वेरी बिग स्कैम, जो कि मैंने इजिली खुद ही रिकवर कर लिया था. सो द थिंग इज, जब आप नॉर्वे में कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदते हैं, स्पेशली जब आपके डायरेक्ट सेलर से कॉन्टैक्ट होता है, इफ डजेंट मैटर कि आप वो फेसबुक मार्केट प्लेस से खरीद लें या fin.no जो कि यहाँ का मोस्टली यूज आइटम का पोर्टल है, तो किसी भी जगह से खरीद लें, जब भी आप या तो प्रेफर करें आप इन पर्सन जाके वो चीज़ खरीद लें या किसी दोस्त के थ्रू मंगवा लें. लेकिन अगर वो ऑनलाइन है तो आप पहले पैसे कभी भी ना भेजें, नो मैटर वो कितना ट्रस्टेबल बंदा है, क्योंकि ये स्कैम मेरे साथ पर्सनली हो चुका है. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा. और अगर अल्लाह ना करे कभी आपके साथ इनमें से कोई एक स्कैम हुआ, तो आप उसको अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट कर सकते हैं. दैट्स इट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है. अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप मज़ीद किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं, एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. Until next time, Allah Hafiz.